शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। शेयर बाजार, यह नाम सुनते ही सबके कान खुल जाते हैं, क्योंकि यह मामला पैसों का है जनाब। शेयर बाजार में आपको अच्छी जानकारी हो तो कुछ घंटों में ही पैसा डबल किया जा सकता है, और भारत में कई लोग ये कर रहे हैं। वैसे भारत में 138 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से सिर्फ 4 करोड़ लोगों के पास ही डीमैट अकाउंट है, उसमें से भी आधे एक्टिव नहीं है। अब ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं सिर्फ 3% भारतीय, लेकिन भाई साहब अब ये आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। रोजाना लाखों डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में और अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आपको बता देता हूँ कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद कैसे कमाई की जा सकती है। समझ लीजिए, आपने बुलेट कंपनी की 2002 में एक बाइक खरीदी 1,75,000 रुपए में, और 18 साल बाद उसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी, एक घिसी पिटी बाइक, और उसकी वैल्यू जीरो ही होगी। और वहीं 2002 में अगर बुलेट बनाने वाली कंपनी के शेयर आपने 1,75,000 के खरीद लिए होते तो आज उसकी वैल्यू 6,78,00,000 हो जाती। 80 रुपए का शेयर 31,000 रुपए तक पहुंच गया। आपके पास जब पैसा होता है तो आप क्या करते हैं, एफडी में लगाते हैं। आप बैंक में एफडी करवाते हैं और बैंक वाले वो आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके डबल करते हैं और आपको कुछ परसेंट का ब्याज दे देते हैं और आप खुश हो जाते हैं। लेकिन वही पैसा अगर आप खुद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते तो आप 5 साल में उसको कई गुना तक बढ़ा सकते थे। अब इतनी बड़ी मार्केट में लाखों करोड़ की प्रतिदिन लेन देन होती है तो घोटाले भी होते होंगे। घोटाले का नाम सुनते ही आपके सामने हर्षद मेहता का घोटाला कांड आपके सामने अभी आया होगा, लेकिन कुछ साल पहले ही एक और घोटाला हुआ है, एक साधु ने करोड़ों का घोटाला कर दिया। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, पूरा सुनिए, आइए जानते हैं विस्तार से। 2015 में NSE की CEO चित्रा रामाकृष्णा एक योगी के इशारे पर सारे डिसीजन लेती थी। ये योगी कौन थे, कहां से हैं, इसके बारे में आगे मैं आपको बताता हूं। भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज है, BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे NSE कहते हैं। इन दोनों कंपनियों का काम यह है कि किसी भी शेयर का एक्सचेंज करना। हजारों लोग मार्केट में आते हैं, अपना शेयर बेचते हैं, तो हजारों लोग उन्हीं शेयर को खरीदते हैं, तो यह साइकिल मार्केट में हमेशा चलता रहता है। हर्षद मेहता घोटाले के बाद एक्सचेंज कंपनियों की कमियां दुनिया के सामने आ गई थी। इसी वजह से सरकार ने ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया और पेपर वर्किंग खत्म कर दिया, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। इसका काम IDBI को सौंप दिया गया। तब वर्चस्व में आया 1992 में NSE। NSE की स्थापना होती है, NSE का ऑफिस मुंबई में स्थित है और इसकी वैल्यू 202 लाख करोड़ है। जी हां, 202 लाख करोड़। NSE की कमाई का जरिया है मार्केट में लिस्टेड कंपनियां, उनसे लिस्टिंग फीस ली गई, गाइडेंस फीस ली गई, उन्हें वो बताती है कि इस शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये सब गाइड करती है, उनसे वो चार्ज लेती है। इन सब के अलावा कमाई करने का एक और तरीका है, वो है कोलोकेशन चार्जेस। यह चार्जेस ब्रोकर के सर्वर NSE में रखकर उनसे वसूला जाता है ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन जल्दी से NSE को मिल सके। NSE को बनाने का उद्देश्य यह था कि जो भी घोटाला BSE के साथ हुआ था, हर्षद मेहता ने किया था, वो दोबारा ना हो जाए। लेकिन NSE खुद कुछ समय बाद इसका शिकार हो गया और यह खुलासा SEBI ने किया। SEBI का काम है NSE और BSE पर नजर रखना। 2015 में SEBI को एक लेटर मिला और उसमें बताया गया कि NSE में कोलोकेशन के आड़ में करोड़ों का घोटाला हो रहा है। कुछ ब्रोकर्स ने 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा कमा लिया था। और जाहिर सी बात है कि शेयर मार्केट में 5 मिनट बाद क्या होने वाला है, अगर यह बात पता चल जाए तो हजारों करोड़ रुपए घोटाला करके कमाया जा सकता है। जब SEBI ने चित्र रामाकृष्णा को पूछा कि यह बाबा जी कहाँ मिलेंगे जिनके इशारों पर आप काम करती हो, तब उनका जवाब था कि यह जवाब तो किसी को नहीं मालूम है, वो एक वर्चुअल बाबा जी हैं जो ईमेल भेजते हैं और मुझे बताते हैं कि किन्हें प्रमोशन करना है, किन्हें प्रमोशन नहीं करना है और NSE में क्या डिसीजन लेना है। वन बाय वन कई रहस्य सामने आते गए, उनमें से एक रहस्य था सुब्रमण्यम को हायर करना। ICICI में काम कर रहे सालाना पैकेज 15 लाख से सुब्रमण्यम का पैकेज हो गया 1.5 करोड़। 2013 में NSE के MD और CEO एडवाइजर के रूप में उन्हें हायर किया गया। ना कोई इस पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी किया, ना कोई एड चलाई गई, सीधा भर्ती किया गया इन्हें। जहां NSE के बाकी एम्प्लॉय को 5 दिन काम करना होता था, वहीं जहां सुब्रमण्य को सिर्फ 3 दिन ही अपना काम करना होता था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चित्र रामाकृष्णा को यह ईमेल भेजने वाला साधु कौन था। यह पता लगाने के लिए EY को इसका काम सौंपा गया। तब सामने आया कि बाबा नहीं बल्कि सुब्रमण्यम खुद ईमेल भेजता था, लेकिन यह बात कई लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन चित्र रामाकृष्णा और सुब्रमण्य दोनों पर पेनल्टी लगाकर NSE ने बैन कर दिया। स्टॉक मार्केट के बारे में और ज्यादा जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं और इससे कैसे पैसे कमाया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ।